गुड मॉर्निंग बच्चा पाटी, दिस इज मी विकास रेड फैक्ट्री चैनल पे, और आज पढ़ाऊंगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। क्या होता है, कैसे बना होता है, किसके कारण क्या होता है, इसमें किसी में क्या क्या होता है, उसके बारे में। फिर इसी के बेस पे निकोलसन भाई साहब आते हैं और एक थ्योरी दे देते हैं जिसका नाम होता है फ्लूइड मोज़ेक थ्योरी। उस पर हम चलेंगे, लेकिन पहले समझेंगे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 10 मिनट का वीडियो होगा, 15 मिनट का वीडियो होगा, समझ के जाइएगा, यहाँ से बिना समझे मत जाइएगा। और याद रखिएगा रट्टा एप्लीकेशन नहीं। अब समझिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो बाय लिपिड लेयर होता है। तो बाय लिपिड लेयर कहने का मतलब क्या होता है, लिपिड जो होता है दो लेयर में होता है, दिख रहा होगा आपके सामने, इधर भी लिपिड है, ये लिपिड है, एक ऊपर दिख रहा है लिपिड और एक नीचे लिपिड दिख रहा है। मन है तो लिपिड को थोड़ा हंसा दो, इधर वाले लिपिड को और इधर वाले को रुला दो, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, बस समझाने के लिए, हंसी के लिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो कैसे अरेंज रहता है, तो बाय लिपिड लेयर, मतलब लिपिड का दो लेयर होता है। और लिपिड में कितना टाइप होता है, दो, ऊपर वाले को हेड और नीचे वाले को टेल कहते हैं। और हेड जो होता है उसको मोहब्बत रहता है वाटर से, इसीलिए इसको हम लोग वाटर लविंग भी कहते हैं। इतना समझ में आ गया, यानी कि लिपिड अरेंज इन अ टू लेयर, मींस दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिपिड बाय लेयर। व्हाई? बिकॉज लिपिड इज अरेंज इन अ टू लेयर। अब लिपिड के अंदर कितने पार्ट हो गए, दो, वन इज कॉल्ड अ वाटर लविंग इज कॉल्ड अ हेड और वन इज कॉल्ड अ टेल जो वाटर से मोहब्बत नहीं करता है, थोड़ा सा डरते रहता है। इतना बात समझ में आएगा, जिसको इसके लिए इसको डरता है, इसलिए इसको हम लोग हाइड्रोफिबिक भी कहते हैं, हाइड्रोफोबिक भी कहते हैं। और इसको मोहब्बत है हेड को तो हाइड्रोफिलिक कहते हैं, जिसको मोहब्बत होगा उसको हाइड्रोफिलिक और जिसको मोहब्बत नहीं होगा उसको हाइड्रोफोबिक कहेंगे। इतना समझ में आ गया, तो टेल क्या होगा, इसको मोहब्बत नहीं है तो हाइड्रोफोबिक कहेंगे, और हेड को मोहब्बत है तो हाइड्रोफिलिक कहेंगे। इतना याद रख लीजिए। अब इधर भी लिपिड, इधर भी लिपिड, तो सारा स्थानीय सेम, यहाँ भी हेड इसको भी मोहब्बत, यहाँ भी हेड इसको भी मोहब्बत, ये टेल इसको मोहब्बत नहीं। अब दो लिपिड के बीच में रहता है प्रोटीन, तो प्रोटीन, ये प्रोटीन है, लेकिन ऐसा प्रोटीन जो अंदर रहे, घर के अंदर रहे, उसको इंटीग्रल कहेंगे, और जो घर के बाहर लॉकडाउन में आपके जैसे घूमे उसको कहेंगे पेरिफेरल। जो आपके जैसे घूमेगा घर के बाहर लॉकडाउन में उसको कहेंगे पेरिफेरल। बायो में याद रख लीजिए, कहीं भी बाहर पाए जाने वाला चीज को हम लोग कहते हैं पेरिफेरल। दोस टाइप ऑफ सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट आउटसाइड द सर्फ आउटसाइड या ऑन द सर्फेस इज कॉल्ड पेरिफेरल, और इनसाइड उसको इंटीग्रल। इन अ बायो तो ये हो गया अंदर वाला प्रोटीन इंटीग्रल प्रोटीन और बाहर वाला प्रोटीन पेरिफेरल प्रोटीन। समझ में आ गया। अब यानी प्रोटीन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अभी आपको समझाया कि लिपिड होता है और प्रोटीन होता है, उसके अलावा थोड़ा सा फॉस्फेट भी होता है, थोड़ा सा क्या होता है, फॉस्फेट भी होता है, थोड़ा सा शुगर भी होता है, थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल भी होता है। पूरा एक चीज समझ में आ गया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कुछ भी दिक्कत नहीं। अब चलेंगे कि इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे निकोलसन और सेंगर भाई साहब आते हैं, निकोलसन एंड सेंगर भाई साहब आते हैं और वो थ्योरी जो जिस थ्योरी को देते हैं उस थ्योरी को कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक थ्योरी। फ्लूइड मोज़ेक थ्योरी उसको क्या कहेंगे हम लोग, फ्लूइड मोज़ेक थ्योरी। कौन दिए थे, निकोलसन सिंगर, कब दिए थे, 1972 में। ये बहुत ज्यादा हिट क्वेश्चन है, याद रखो, किसके बेस पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कॉन्सेप्ट के बेस पे। समझ में आ गया, किसके आधार पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे 1972 में आते हैं निकोलसन एंड सिंगर बाय साहब, और वो जो जिस थ्योरी का नाम देते हैं उसको हम लोग कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक थ्योरी। याद हो गया, डाटा को याद रखना, मतलब सॉरी डेट को याद रखना, जो भाई साहब दिए नाम उनको याद रखना, और जिस इस चीज को जो कहते हैं उस चीज को याद रखिए, कब दिए, 1972 में, कौन दिए, निकोलसन भाई साहब ने दिए, और जिस पे दिए उसका नाम क्या कहेंगे,
फ्लूइड मोजाइक थ्योरी। इतना समझ में आ गया। अब समझेंगे कि वो क्या थ्योरी थी, वो उस थ्योरी से बताना क्या चाहते हैं। वैसे हम लंबा कॉन्सेप्ट तो बता सकते हैं बर्गर वाला, लेकिन बर्गर वाला नहीं बताएंगे। छोटा सा टाइम है, छोटा सा आपका भी टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा भी तो थोड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट, इसीलिए हम थोड़ा बता देते हैं। सिंपल से याद रखना, ये भाई साहब बोलते हैं कि QC फ्लूइड नेचर के कारण लिटरली मोमेंट होता है। क्यूसी फ्लूइड नेचर के कारण लिटरली मोमेंट होता है, किसका? प्रोटीन का। अब इसी को समझाना है, एक लाइन एनसीईआरटी लिख के चला गया, इसी को चीज को हम समझाएंगे। मतलब ड्यू टू क्यूसी फ्लूइड नेचर लिटरली मोमेंट होता है, किसका? प्रोटीन का। अब सबसे पहले समझिए कि क्यूसी का मतलब क्यूसी फ्लूइड का मतलब होता है ऐसा कोई फ्लूइड जो ना ज्यादा सॉलिड हो ना ज्यादा लिक्विड हो। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना ज्यादा सॉलिड होता है ना ज्यादा लिक्विड होता है, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है? प्रोटीन ऐसे करके लेटरली मूवमेंट होते रहता है। इतना पहले समझ में आ गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना ज्यादा सॉलिड ना ज्यादा लिक्विड रहने के कारण बोला जाता है क्यूसी फ्लूइड। और इसके कारण क्या होता है कि प्रोटीन में लेटरली मूवमेंट होता है। और इसके कारण क्या होता है कि फ्लूडिटी प्रोवाइड होता है, इसमें फ्लूडिटी प्रोवाइड होता है। और इसके कारण क्या होता है कि कोई सब्सटेंस आराम से यहाँ से वहां जाता है। कंफ्यूज हो गया ना, कंफ्यूज को दूर करो। अभी हम समझा फिर कीजिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब सुनना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन न ज्यादा सॉलिड न ज्यादा लिक्विड, तो उसको कहेंगे क्यूसी फ्लूइड। समझ में आ गया। अब इसके कारण प्रोटीन जो है यहाँ से वहां जाने लगा। क्या जाने लगा? प्रोटीन। यानी प्रोटीन में कैसा मूवमेंट होने लगा? लिटरली मूवमेंट होने लगा। किसके कारण? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है न ज्यादा सॉलिड हुआ लिक्विड हुआ, इसके कारण। अब यहाँ से वहां जब प्रोटीन जब जाने लगा, यहाँ से जब वहां जब प्रोटीन जब जाने लगा, तो इसका असर ये हुआ कि इसके अंदर फ्लूडिटी प्रोवाइड होने लगा। तो फ्लूडिटी प्रोवाइड करने का मतलब क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस आराम से आ भी सकता है और जा भी सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि फिर से एक बार और समझिएगा, थोड़ा हम आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, हमें खुद लग रहा है, लेकिन उसको उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देने के लिए रोक दीजिए। बस पहले इतना याद रखिए, बस इतना याद रखिए सेकंड पर के लिए। क्यूसी फ्लूइड नेचर के कारण प्रोटीन का लेटरल मूवमेंट होता है, इतना याद हो गया। और क्यूसी फ्लूइड नेचर क्या है पता हो गया? न ज्यादा सॉलिड न ज्यादा लिक्विड, तो उसको कहेंगे क्यूसी फ्लूइड नेचर। ये बात समझ में आ गई। और इसके कारण क्या होता है? प्रोटीन का लेटरल मूवमेंट होने लगता है, याद हो गया, इतना तो याद हुआ। अब प्रोटीन का जब मूवमेंट होने लगता है तो यहाँ पे फ्लूडिटी प्रोवाइड होता है। फ्लूडिटी का मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस जब यहाँ से इस साइड से गुजरेगा तो उसको तकलीफ नहीं होगा, आराम से यहाँ से वहाँ जाएगा। तो अजीब सा कॉन्सेप्ट है। अजीब का कॉन्सेप्ट को एक बार और अच्छे ढंग से समझ जाओ आप कि क्यूसी फ्लूइड नेचर होता है किसका? प्लाज्मा का, जिसके कारण क्या हुआ? प्रोटीन यहाँ था और अंदर आ गया, ठीक। और प्रोटीन जैसे ही यहाँ पे अंदर आया, कि यहाँ पे फ्लूडिटी प्रोवाइड हो गया। क्या प्रोवाइड हो गया? फ्लूडिटी। इसका कहने का मतलब फ्लूडिटी प्रोवाइड होने से क्या होता है पता है आपको? कि कोई भी सब्सटेंस अब यहाँ से आराम से आ सकता है और जा सकता है। एक बार और आपके खिदमत में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है? न ज्यादा सॉलिड न ज्यादा लिक्विड, जिसके कारण मूवमेंट होता है। किसका मूवमेंट होता है? प्रोटीन का। इतना ही बस याद रखो, अगर ज्यादा दिक्कत तकलीफ हो रही है तो, ठीक। और जिसको यहाँ तक समझ में आ गया तो उसकी एक लाइन और समझ आओ कि जैसे ही प्रोटीन चला तो वहाँ जितना आसपास में जो घोर जंगल से जाते रहता है तो प्रोटीन को देखता है जाते हुए, तो और सब उसके साथ चल पड़ता है। इतना याद रखो, यानी प्रोटीन जैसे ही चला, जैसे ही प्रोटीन का लिटरली मूवमेंट हुआ, वैसे ही फ्लूइडिटी प्रोवाइड होता है। और फ्लूइडिटी प्रोवाइड हुआ तो कोई भी सब्सटेंस वहां से आगे पीछे चलने लगता है आराम से। और
इसका असर क्या क्या होता है, क्या हुआ इसके कारण, जब सब चलने लगा तो क्या होने लगा, सेल का ग्रोथ होने लगा, सेल का डेवलपमेंट होने लगा, सेल डिवाइड करने लगा, सेल का डिवीजन होने लगा। समझ में आ गया। चलते चलते यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, थोड़ा दूर कर लीजिए। क्यूसी फ्लूइड नेचर के कारण लेटरली मूवमेंट होता है, एक लफ्ज याद रखो, क्यूसी फ्लूइड नेचर के कारण लेटरली मूवमेंट होता है, इतना बस याद रखो, याद रखिए, ज्यादा मत। और इस सब के कारण सेल का डिवीजन, सेल का ग्रोथ, सेल का कहने का मतलब है डेवलपमेंट, ये सब होने लगता है। तो बच्चे हम चलते हैं, आज के लिए इतना ही, और फिर लाइव क्लास में मिलेंगे आपसे, देखते हैं कब, नहीं टाइम बताते हैं। तो लाइक बाइक थोड़ा किया करो, और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब किया करो, लाल वाला घंटी को थोड़ा बजाया करो। इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है।